आज के बाद जिंदगी में उनसे कोई बात नहीं करोगे, उनको किसी काम नहीं बताओगे, नहीं तो फिर आपका पत्ता कट जाएगा 2 मिनट। अच्छा सर, सरकार है मेरी, आप चिंता मत करना, कहीं भी जाओगे जी जी, उदयपुर में तो आप उस बात को यूं मत लेना। एक ही मैडम है उदयपुर खिचड़ी में गया, नहीं मैंने तो उनसे कुछ कहा ही नहीं, मैंने कहा कि मैडम उन्होंने कल इंग्लिश का पेपर था पढ़ा दिया, आज हिंदी का, कल तो हिंदी वाली पढ़ेगी वो पढ़ाएंगे, नहीं तो पढ़ाना थोड़ी हाजिर तो लेना पड़ेगा। अरे आप कौन होते हो यार? अच्छा आप कुछ नहीं हो, ये समझ लेना आज से। ठीक है सर, ठीक है नहीं है बाकी ये दादा की ये सब खत्म करो, तुम्हें 2 मिनट लगेंगे। ठीक है सर, ठीक है नहीं है, इतने अपने आप को फॉर्म में मत रहना। नहीं 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 मैं तो फॉर्म में नहीं, फॉर्म में तो आप ही बात कर रहे हो, फॉर्म में रहते हो तुम, बात ये से की उनसे आज दिन हो तुमने। नहीं बात क्या की, मैंने तो कहा कि हाजिरी लेनी, पढ़ाएंगे कौन पढ़ेगा तुम्हारे स्कूल में, अब हम आएंगे रोज, कौन पढ़ा नहीं पढ़ता, कौन पूरे दिन बातें करते हैं, कौन पढ़ाता बच्चों को, मैं क्लास में ले जाके उनकी वीडियो रील लेके फिर तुम्हारे को बताऊंगा बातें में, पूछूंगा मैं कौन पढ़ाता है वो नाम लेके। ठीक सर, आप यू कहीं गलत मत समझ लेना, कोई श्याम जी कुछ है नहीं है। नहीं 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 हमने तो कभी गलत समझे ही नहीं सर, नहीं हमने नहीं, तुम तुम्हारा राज चला रखा है वो मेरे को मालूम है, मैं बेवकूफ नहीं, मैं इतना बड़ा काम करता हूँ और मैं नेतागिरी भी करता हूँ तो सब मालूम है मुझे, क्या होता है क्या नहीं होता, कौन क्या करता है, एक एक चीज का मालूम है मुझे। ठीक सर, ठीक है, आइंदा मैडम से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, आपके आगे शिकायत कर देना, आगे कोई केस कर देना, आगे जो भी मर्जी पड़े वो कर देना, पर आज के बाद कोई पढ़ाने की वो सोते रहेंगे तो रहेंगे, तुम्हारा केस कर देना। ठीक है सर, ठीक है जी जी, हाँ ये ध्यान में रखते हुए आना खिचड़ी में। जी 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 बिल्कुल सर, खिचड़ी मेरे भाग है मेरा। जी जी आइए अपन जहाँ पे भले आप आगे कर दीजिए, नहीं तो अभी मैडम तो कह रहा मेरे को मारेंगे, तो कहा मारवाड़ी का प्रोग्राम है कहीं, नहीं मारेंगे तो फिर बाहर नहीं पड़ेगा, कोई रस्ते से ले उंगली करेगा क्या करेगा, 10 बजे आई तो 10 बजे, टाइम कितने बजेगा आपको पता है? आई तो नहीं, टाइम कितने बजेगा? 10 बजे का टाइम है, 10 बजे के बाद में आ रही हूँ, मेरे को कुछ बोला तुमने, ठीक है 10 बजे के बाद आई हूँ, मेरे को बोल सकते हो तुम? अच्छा और मैडम ने बोला मारेंगे तो वो सही शब्द था ना? नहीं बहुत कहना पड़ेगा ना, कोई अगला आदमी कुछ करेगा तो कुछ भी कहेगा, कोई छेड़छाड़ी करता तो उसके जूते भी लगाते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है सर, फिर मेरे को पुलिस नहीं लगाते, पुलिस में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी मेरे को कि भाई आप मारोगे मेरे को, नौकरी नहीं करने दोगे। हाँ दे दो पुलिस में, दे दो एप्लीकेशन दे के आनी पड़ेगी, कल से आप कुछ भी कर सकते हो, हत्या भी कर सकते हो मेरी। अरे तो आप कुछ कर सकते हो, वो दिल दू क्या अभी मैं बोले जाएंगे, अभी मैं दिला दो, 2 मिनट रखो, मैं अभी 15 मिनट में दिला के आ जाता हूँ, मैं दे दूँ, मैं हाँ मैं दे दूँ, तुम्हारा दिला नहीं क्या? नहीं आप फोन तो आप कर रहे हो, मैंने थोड़ी दी धमकी, आप कौन करेंगे, आप कोई कलेक्टर नहीं हो, एक टीचर हो छोटे से, सुन लो, नहीं तो धमकी तो आप दे रहे हो मेरे को, मैडम ने धमकी दी, आपको देनी पड़ रही है मजबूरी में, देनी पड़ रही है मजबूरी में। अच्छा कौन सी मजबूरी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, इतना इतना टाइम हो गया, तुम लोग इनको परेशान करते हो, सब परेशान करते हो तुम, नहीं कब परेशान किया, हमने कुछ है नहीं इनके, क्या नहीं हमने कुछ कहा ही नहीं, इनके कोई है ही नहीं क्या? नहीं हमने तो कुछ कहा ही नहीं, नहीं काट नहीं कहा वो तो आप खुद जान रहे हो, लोग छेड़े ठोकने के लिए तैयार हो गए तुम्हारे। अच्छा ठीक है सर, तो फिर मेरे को सुरक्षा करके आने पड़ेगी, और क्या करूँ, सुरक्षा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सुन लो ये केस तुम्हारा केस करना भी कर देना, ये भी मैं केस क्यों करूँ, मैं तो अपने जान की सुरक्षा मांगूंगा, जान को खतरा है, जान को खतरा है, और यहाँ से हटाया जा रहा है, वैसे हटा रहा हूँ मैं, घबराओ मत, ठीक है सर, ठीक सर, थैंक यू, वैसे हटा रहा हूँ तुम्हारे को, चिंता मत करो, जी जी आई समझे, इतने दिन हम बोलते नहीं, इसका मतलब क्या बेवकूफ है हम? जी नहीं नहीं सर, आप बिल्कुल हटाओ, और आप जान से भी मार दोगे कोई बात नहीं सर, मेरा तो बच्चा कमाओ हो गया है, मार दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरा, मार दे नहीं मार दे इसी बात, तो मैडम ने धमकी दी थी मारने की, अरे आपने क्या कहा, जो आपने कहा वो भी सोचो पहले, नहीं वो मैडम ने धमकी दी नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने कहा मारने की धमकी, तो नहीं नहीं सर, ब्राह्मण आदमी नहीं भी भीख मांग खाएंगे बच्चे, क्या वैसे ही हमारी जात तो मांग खाने जाते सर, हम मांग के खा लेंगे, कोई बात नहीं, पता नहीं कोई बात नहीं सर, आप इच्छा हो तो जिंदा रखना, नहीं तो मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, सरकार नौकरी देगी बच्चे को, कोई बात नहीं, ऐसी नौबत क्यों आई,
नहीं नौबत नहीं आई, ऐसा हमने कोई पाप नहीं कर दिया, कोई दादागिरी नहीं कर रहा, ये दादागिरी नहीं करना स्कूल में बस। नहीं हमने कोई दादागिरी नहीं कर रहा है। सुनो अब अपन डंडा लेके घूमते फिरते हैं, आपकी ड्यूटी क्या पता नहीं की है, कोई बड़े डंडा लेने घूम रही नहीं आपकी। हाँ नहीं नहीं सर हमारी ड्यूटी नहीं है, हमारी सही बात है वो तो आप पता चलेगा कैसे क्या होता है। तो बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल सर ठीक नहीं है वो, ठीक ही है इसीलिए फोन किया मैंने, मजबूरी में आ गया मैंने। नहीं नहीं कोई बात नहीं सर, आप जिंदा रखोगे जिंदा रहेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, बच्ची मिसेज को नौकरी मिल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ वो मिल जाएगी तो वो देखा जाएगा बात, कोई बात नहीं सर ठीक है। और इनके भी नौकरी भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं सर। मारे तो ब्राह्मण मांगी खानी जाते हैं, मांगी खाई, अरे मारे तो मांगी खाने की जरूरत नहीं है, मारे तो घर बैठे रहे तो फर्क नहीं पड़ जाए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मारे तो मांगी खाकर नौकर रहेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं सर। माने आप जो करोगे जो माने तैयार है, मैं तैयार हूँ सर, मैं कहीं नहीं करेगा, मैं कहीं की तो भी नहीं है सर सालू। नहीं नहीं ये तो ये हो गए, धमकी मैंने थोड़ी दी सर, धमकी तो आप ही दे रहे हो, फोन भी आप कर रहे हो, सुबह में मैडम ने कहा तो धमकी तो आप दे रहे हो, फिर आप मेरे को कह रहे हो कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। कुछ देगा सुनो, मैंने कुछ कहा होगा तो मुझे धमकी देगा अगला आदमी। अच्छा क्या कह दिया मैंने, क्या कहा मैडम, आपको क्यों चीज बताऊँ, मैं बताऊँ सुबह क्या कहा इसको इनको, तू दस बजे थैंक यू, अब आयो अभी आइए, सुन एक मिनट रुके नहीं, अभी आइए अब आयो अभी आइए, सुन एक मिनट रुके नहीं, अभी आइए। अरे सर वो मैडम कुछ भी बोल सकते हैं, आपने बोला भी बोला, मैंने कहा, मैंने कहा मैडम आप 10 बजे अभी स्कूल आए हो और आप आते ही गर्म हो रहे हो, हम 8 बजे से आए हैं गर्म नहीं हो रहे। नहीं टाइम कितना है? तो सर आते ही आप गर्म हो जाओगे स्टाफ पे वहाँ जो क्लास की परीक्षा कर रहे थे तो क्या करते हैं, परीक्षा चल रही थी आते ही इतना जोर जोर से चिल्ला रहे थे ये मैडम, तो मैंने कहा मैडम आपने कहा तो चिल्लाई हो। अच्छा ठीक है सर, आपने आपको आपको इतनी बात करनी नहीं थी, 10 बजे आगे वो फिर लोग आप सारा सारे जो वो उसको कुछ नहीं, नहीं उसको तो कुछ नहीं, पर मैंने मैडम को कहा, मैंने कहा मैडम आप शांति रखो। अरे लोग आधे दिन में चले जा रहे हैं, एक घंटा उससे चले जा रहे हैं, सोची कभी कि आपने, मेरे को सब पता है वो। ठीक सर ठीक है ठीक है, अजनबी हूँ मत समझना भाई, या तितड़ी स्कूल है, बिल्कुल बिल्कुल उसके शांति उसके तितड़ी के मालिक भी है, बिल्कुल ठीक सर, मालिक हूँ मैं भी स्कूल का। ठीक है सर, इसमें गाँव के हिसाब से सब गाँव के मालिक होते हैं, मैं भी उसका जितना हिसाब था मालिक बनता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल इसमें ठीक है। तो यहाँ गलत काम हो गया तो मैं नहीं करने दूंगा। हाँ नहीं गलत काम तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं सर, बच्चों को पढ़ाने के अलावा कोई गलत काम नहीं कर रहा, इतना पढ़ा रहे हो तो दुनिया जान रही है सर। रिजल्ट 5 साल से 100% है, क्वालिटी क्वांटिटी सब बरोबर है, सरकार मांग कर रही है, सरकार इनको इंग्लिश दे रही है, इंग्लिश है इंग्लिश, जवाब देना जवाब दो सर। वो तो प्रिंसिपल मैडम टीचर भी है, अब प्रिंसिपल पे चले गए, आप क्यों कहते थे वो भी सुबह लेट है, प्रिंसिपल कहती रहती। हाँ नहीं मैंने लेट का नहीं कहा मैंने मैडम का, मैंने कहा आप शांति रखो अभी परीक्षा चल रही, मैडम आप आते ही इतने गर्म हो रहे हैं, शांति रखो यूँ कहा। आप भी डाइट गर्म हो गए और क्या, वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मैंने उस दिन पढ़ाया नहीं, क्लास में नहीं जाऊंगी, नहीं यूँ नहीं करूंगी, तो मैंने कहा मैडम शांति रखो अभी आप गर्म मत करो, अरे बात को अधूरी मत करो, मेरी बात सुनो, आपने जाते ही होगा तो जाओ क्लास में जाके हिंदी पढ़ो, जाके हिंदी पढ़ो। मैंने पहले भी आपको समझाया था कि वो मैडम आपको जैसा कहते हैं जैसे आप भड़क जाते हो, पहले भी आपने ऐसा ही फोन किया था और मैंने आपको कहा था, मैंने कहा आप भड़का मत करो, हमसे बात करा करो फिर भड़का करो, आपको मैडम जैसा कहते हैं वैसे ही बात करते हो फिर भड़का। मैं आगे कहना दूंगा सुनो, मेरे मां ने दिया मैं थप्पड़ मारूंगी, मेरे मां ने दिया था मैं तेरे थप्पड़ मारूंगी, रुक जा, गलत बात करोगे तो गलत कहेगा आदमी। ठीक है सर, आपने आपने इनकी इज्जत की नहीं, इनको डायरेक्ट का क्लास में जाओ जाते ही उनको जाएगा क्या। अरे भाई साहब माने तो हाजिरी भरनी पड़े बच्चा रही, नहीं भरांगा तो बनाना किस तरह दन काड़ा उनके ऑनलाइन। अबे सुनो आप एक मिनट, हम 5 आदमी आएंगे सुन लो, हर क्लास में वीडियो लेके आएंगे, ठीक है बोलते हुए बच्चों को, सुनो बच्चों को बोलते हुए लाएंगे, वो बच्चे क्या कहेंगे, कौन पढ़ा था कौन नहीं पढ़ा था यूँ पूछेंगे। ठीक है मैं भी नहीं जाऊँगा, मैं भी नहीं जाऊँगा, दूसरों को भेजूंगा। ठीक है सर ठीक है, और वो लिख के वो बोलेंगे बच्चे सुनो जी जी,
और उसका फिर मैं आपको वीडियो बताऊंगा कौन पढ़ा था और कौन नहीं पढ़ा था। बिल्कुल, इनको बिना पढ़ाए तनखा लेने की जरूरत नहीं है। इनका 10 लाख रुपए साल के धर्म में देता हूँ मैं, तो मेरा पैसा मिस चला जाता है, इसलिए इनको बोला है पढ़ाई करके ही पैसा लाना। ठीक है सर, सही समझ में। ठीक है, और आज की तारीख में स्कूल में बच्चे कहेगी कौन पढ़ा था कौन नहीं पढ़ा था। जी 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 बिल्कुल ठीक, वो सब क्लियर आपके सामने करूंगा मैं। ठीक, मैं आप मेरे को जान दे रहे हैं मैं कितना दिमाग रखता हूँ, जो आज इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, इतना नेतागिरी में भी काम कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर, कोई रस्ते चलता आदमी नहीं मैं। नहीं 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 सर, कोई बात नहीं। ये आपने फोन भी किया था फिर क्या हुआ? फिर किसको फोन किया? किसको किया आपने? किया तो काम मैंने तो किसी को नहीं किया, मेरे और वहाँ से कौन कमलेश जी शर्मा का फोन मेरे आया, मैंने नहीं किया सर किसी को। आपने करवाया कमलेश जी शर्मा से फोन? आपने करवाया? मैंने नहीं किया। मैंने कमलेश जी से मैंने नहीं करा। और दिमाग में वरीज मत रखना। नहीं, कमलेश जी से फोन करवाया, उन्होंने कहा मेरे को कि सामने ने कहा उन्होंने आप उनके कारण मैं आपको फोन कर रहा हूँ। उन्होंने भी मेरे को सुबह धमकी दी कि आपको यहाँ नहीं रहने देंगे। मैंने कहा सर मैं तैयार हूँ। मैं सुबह क्या कह रहा हूँ जो पहले सुनो, मैंने नहीं कहा उनको, मिसेज ने उनको फोन किया, मेरे को फोन करती तो बात क्या लगोगी। और वो कमलेश जी जो फोन किया ना वो मेरा नीचे। हाँ, वो आपके नीचे, पर उन्होंने भी सुबह धमकी दी और आप भी धमकी दे रहे हो। उन्होंने मिसेज ने उनको कहा, मेरे को नहीं कहा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मेरे को तो अब आके कहा इन्होंने। ठीक है सर, ठीक है, आई समझ में। उन्होंने किया होगा, वो कह रही थी कमलेश जी को फोन किया मैंने। हाँ, तो उनका भी फोन आया था मेरे पास, तो वो भी धमका देते कि सर आपका ट्रांसफर, मेरे को तैयार हूँ मैं सर। वैसे मेरे होगी तो मैं जाने को तैयार हूँ। वो तो 1,00,000% हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर, मैं तो रेडी हो गया, मैं तो काउंसलिंग के लिए बैठा हूँ। मैंने उनसे कहा रिश्तेदार नहीं, आराम लेना था, ले लिया अपन। मैंने कहा सर मेरे को तितड़ी में 6 साल हो गए, मैं भी काउंसलिंग से जाना चाहता हूँ। वो तो सरकार का क्या पता क्या, वो आ गया विधानसभा चुनाव में वो भेंट लग गया, बाकी अभी काउंसलिंग में मैं तो वैसे ही जाने वाला हूँ सर। मेरे से आप भरी ना हो जी, कहीं भी जाओ ना व्यवहार रखना पड़ता। अरे सर मेरे 25 साल में आज तक ऐसी बिगड़ी नहीं। आप जो रखते हो तो मेरे को मालूम है ना, मेरे को आप ना मिले कहाँ पे फर्ज कहाँ मिले मेरे को। और सर अब मेरा भी प्रिंसिपल पे प्रमोशन है, ऐसी कोई बात नहीं, 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 नहीं है। कहाँ मिला? कहाँ मिला सर? अब तो दिमाग लगाओ आप कहाँ मिले। अरे मैं तो सर कहीं ध्यान ही नहीं, भूल गया। धोल की पट्टी दे आप क्या? नहीं मैं धोल की पट्टी रहा ही नहीं। धारण गोल्डा नहीं, आपने एक बार मैं तो रामा से आया था सर, रामा बड़गांव था वहाँ से आया। एक बार मेरे फर्स्ट बार जब बात हुई ना रामा बड़गांव में, मैं 10 साल रामा रहा बड़गांव में, रामा बड़गांव जहाँ पे 11 मर्डर एक साथ हुए थे वहाँ रहा 10 साल। हाँ, उसके बाद यहाँ आया रामा उषाण से आया। हाँ, तो अबे अबे आया तो अबे कम से कम आता योध खोज में जाए, भाई चितड़ी का है ये प्रॉपर, तो इनको अपन ज्यादा वो नहीं करते सर। मैंने कुछ नहीं कहा इनसे, सिर्फ शांति के लिए कहा। सब एक हो गए, इनको परेशान किया। मैंने भी कहा होने दे फिर देखेंगे। अब समय तो चेंज होता, आप लोगों ने देखा भाई सरकार आ रही है, इसलिए आपने दर्द रहे धमका दे रहे। अब सरकार हमारी है, अब हम भी उसी हिसाब से खेलेंगे ना। बिल्कुल 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 सर, आप बिल्कुल, मैं तो तैयार हूँ, मैं तो काउंसलिंग के लिए तैयार हूँ, काउंसलिंग के लिए भी तैयार हूँ। सरकार काउंसलिंग करे, मैं जहाँ भी मेरे को वाइस प्रिंसिपल बना के भेजे मैं जाने को तैयार हूँ सर। भेजेगी वहाँ भी काम करेंगे ना। हाँ, और कमलेश जी ने मेरे को कहा कि मैंने कमलेश जी कहा, मैंने कहा सर मेरा ऐसा सुनो सीतड़ी से मेरा कोई मोह नहीं है, मेरे को जिले से बाहर तो नहीं जा रहे हो। अरे सर राजस्थान में कहीं भी फेंक सकते हैं हमको फर्स्ट ग्रेड को, तो हम तो मैं तो वहाँ धौलपुर भी जाने को तैयार हूँ। तैयार हो? बिल्कुल सर। बाद में मत कीजिए, मैं नहीं हूँ। अरे सर नहीं, मैं तो तैयार बैठा हूँ, आप तो बिल्कुल कराओ। गलत फहमी में रहो मत। अरे सर मेरा तो काउंसलिंग से होगा, वैसे ही आपको कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी काउंसलिंग होगा जब भरतपुर अलवर नहीं होगा, होगा उदयपुर भी। अरे काउंसलिंग में जहाँ देंगे वहाँ जाना पड़ेगा सर। अरे काउंसलिंग में उदयपुर भी होगा, वही होता है। अरे नहीं होता है सर, इंटीरियर में होता है। ये दे सकते। अरे सर जहाँ देंगे वहाँ जाने को तैयार हूँ मैं तो। हाल तो 11 जगह नौकरी करनी है। अपना दौरा काम नहीं करना जी। हाल तो किसी को छेड़ना नहीं सर। मैंने कल नहीं छेड़ा, मैंने इनसे कहा, इनका मैडम आप आए हो जरूरत नहीं है, कल से 11 बजे आएंगे छप्पे से। अच्छा वो आप जानो, प्रिंसिपल मैडम जाना, मत आप लोगों के शिकायतें करनी है वो करते रहना।
सी मैं तो कहूँ शिकायत नहीं करूँ ना, अभी ये जाने प्रिंसिपल मैडम जाने सर, आप लोग मेरे को आप फोन मत करो, उन लोग क्लास में भी नहीं जाएगा, हाँ नहीं जावे तो कोई बात नहीं सर, आप मेरे को फोन मत करना, प्रिंसिपल मैडम जाने और ये जाने, अब मैं बीच में कहीं नहीं हूँ, आपको फोन नहीं करना, मैडम से बात करूंगा, हाँ बस मैडम भी मैं जान रहा हूँ, मैडम भी जान रहा हूँ, जो भी बात करो सर, प्रिंसिपल मैडम से बात करना और इनसे बात करना, इन दोनों के बीच में मैं कहीं नहीं हूँ, अब मेरा कोई रोल नहीं है, आपको बोलनी नहीं है, हाँ बोलनी नहीं था, हाँ मेरा रोल ही नहीं है, आपको गर्म हो रहे थे इसलिए कहा मैंने कहा मैडम आप आते ही शांति रखो, गर्म आपने कहा क्लास में जाओ, अरे सर अब आप हमारी बात पे विश्वास करो, मैंने तो विश्वास करूँ ही नहीं, आप अब अरे आपके कहने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप हमारी बात सुनते ही नहीं है, घर से आते गर्म हो गया, अरे आप हमारी बात सुनते ही नहीं हो, इसलिए आप जो मैडम कहे वो सही है, ठीक है, हम कह रहे हैं वो सब गलत, गर्म आई जो गर्म होगी आपके पास, गर्म नहीं हुई, बाहर गर्म हो रहे थे, मैंने कहा मैडम आप तो शांति रखिए, विज्ञान का पेपर चल रहा था, मेरे को पूरी बात बताओ उसी को, आप मैडम आए स्कूल में आए, मैडम आते ही बाहर जोर जोर से गर्म होने लगे कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, यूँ नहीं वहाँ, हाँ जोर जोर से, मैं तो अंदर वहाँ बैठा था प्रिंसिपल रूम में, क्या गर्म हुए क्या क्या, कि भाई मैंने उस दिन 3 बजे तक अंग्रेजी पढ़ाई, मैं क्लास में नहीं जाऊंगी, न्यू नहीं जाऊंगी, मैंने कहा मैडम आप शांति रखो, और बच्चे का पेपर चल रहा है, अरे अरे 2 मिनट में अपन बात कर रहे हैं, हाँ। आपने जाते ही कहा है तब इन्होंने यूँ कहा, मैं 2 दिन से वो कर रही हूँ, ये फिर बाद में कहा, पहले आपने कहा वो बताओ, हाँ तो मैंने कहा मेरी बात पे आप विश्वास करोगे तो आप आपने विश्वास ही नहीं करोगे, और आप मैडम की बात सुनोगे तो मैं तो अपनी गलती मान रहा हूँ, गलती सुनो अभी, आप उनकी बात सुनो, आपने कहा नहीं मैडम करोगे, मैडम बाहर गर्म हो रहे थे, मैं अंदर प्रिंसिपल रूम में बैठा था, आपने कहा तो, आपने कहा है कि गर्म हुए, पहले वो गर्म हो रहे थे, मैंने कहा मैडम आप शांति रखो, गर्म मत हो, किसी ने कहा नहीं पढ़ाने जाओ तुम तो कैसे गर्म हो रहे, पढ़ाने की तो बात बहुत बाद में हुई सर, तो फिर अपने आप घर से आए नाइट गर्म हो गए, पहले गर्म हो रहे हैं, मैंने कहा मैडम आप आए हो आप शांति रखो, या क्लास से वो एग्जाम चल रहे हैं, 10th का विज्ञान का पेपर है, तो फिर मैडम ने कहा आपने कहा तो है कि क्लास संभालो, अरे 8वीं में हाजिरी तो बननी पड़ेगा, मैंने कहा मैडम आप जाके 8वीं में ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी है वो भरेंगे, आपको कहने से क्या वो भी भरेंगे यू, अरे सर तो हाजिरी नहीं भरा मैं आपको, तो नहीं भरा नहीं भरेगी हाजिरी कौन मैडम भरेंगे आज नहीं हूँ, तो सर हाजिरी नहीं भरेंगे तो मैंने पोषाहार में संख्या कितना लिखांगा, दूध की संख्या कितना लिखांगा, आज तो दूध उसने सब आना लपेटा में ले रहे गया सब तुम्हारे, हाँ ठीक वो आप प्रिंसिपल मैडम नहीं दो आप मैंने मैडम भी देखो मैडम भी देखो कोई तोप तो है नहीं, हाँ नहीं बस नौकरियाँ कर रहा, तो आप सर मैं भी मेरे को आप दोनों के बीच में से हटा दो, ये और प्रिंसिपल मैडम मैं कहीं बोलूंगा ही नहीं, आपको इनसे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं बात ही नहीं करूंगा और मैं मैडम से भी नहीं करूंगा, लेनी एक नहीं लेनी इससे कोई लेना देना नहीं, आप ठीक है सर।